चढ़ दी जवानी। सो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं इस तरह के लिरिक्स स्टार्टर्स वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। इस तरह की एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हिंदी में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह के स्टार्टर्स वीडियो बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्लस आइकन जाना है। जाने के बाद आपको जैसे 4.5 रेशियो रेजोल्यूशन 1080p फ्रेम रेट 30 बैकग्राउंड कलर ब्लैक सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, जो कि इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको इधर से सॉन्ग को ऐड करना है। इसके लिए प्लस आइकन जाना है, ऑडियो में जाना है। जो सॉन्ग में आप स्टार्टर्स वीडियो बनाना चाहते हैं वो सॉन्ग को आपको इधर से ऐड कर लेना है। सॉन्ग को ऐड करने के बाद आपको प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। आपको इमेज का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इमेज को आप डाउनलोड यानी कि ऐड कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 3 डॉट में जाके आपको इसको फिल स्क्रीन कर लेना है, इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद इमेज के ऊपर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर जाने के बाद साइज़ को थोड़ा आपको इंक्रीज कर लेना है। इंक्रीज करने के बाद आपको उसकी तरह ऐड कर लेना है। उसके बाद पूरा एंड में आना है। इमेज के ऊपर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, इमेज जो है पूरा एंड तक आ जाएगा। उसके बाद इमेज के ऊपर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग में जाना है। उसका जो ऑपेसिटी आपको इधर से 40% इधर से चूज कर लेना है, तो इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, जो इमेज है उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। उसके बाद आपको इधर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाना है। जाने के बाद आपको इस स्विंग वाला इफेक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करना है, इस तरह कुछ आ जाएगा। उसका जो फ्रीक्वेंसी आपको इधर से कम कर लेना है, यानी कि आपको 0.20 रख लेना है। उसके बाद जो एंगल देख सकते हैं इधर एंगल 1 है, उसको आपको -3.5 डिग्री इधर से चूज कर लेना, तो इधर से कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, एंगल 2 है, उसको क्या करना है, उसको भी आपको 3.5 डिग्री इधर से चूज कर लेना, तो इधर से कर लेता हूँ। तो इतना आपको कर लेना है। करने के बाद देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको इमेज जो कि स्विंग इफेक्ट देखने मिलेगा। तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिखाई दे रहा है इधर से इमेज को। अगर आपके साइड में इस तरह ब्लैक दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म जाना है। उसका साइज आपको थोड़ा इधर से बड़ा लेना है, जो कि ये परफेक्टली है एडजस्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा जो कि इमेज अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है, इधर से आपको लिरिक्स को लिखना है। इसके लिए आपको गाने को सुन लेना है। सुनने के बाद प्लस आइकन जाना है, टेक्स्ट में जाना है। आपका जो भी पहला लिरिक्स है आपको इधर से लिख लेना है। तो पहले से मैं टेक्स्ट को कॉपी करके रखा था, तो इस तरह आपको रख लेना है, एक टेक्स्ट ऊपर और एक लिरिक्स नीचे, इस तरह लिख लेना है। उसको बीचों बीच आपको ले आना है। फॉन्ट में जाकर आपको ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो उसका साइज है आपको 18 रख लेना है। उसके बाद आपको कलर में जाके इधर से वाइट कलर को जो कि चूज कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, मूव ऑन ट्रांसफॉर्म जाने के बाद टेक्स्ट को आपको इस तरह ऊपर एडजस्ट कर लेना है, अच्छी तरह से एडजस्ट आपको इधर से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको पूरा एंड तक आना है। आने के बाद जो लिरिक्स है उसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एंड तक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लिरिक्स को आपको इधर से सुन लेना है कि आपका जो पहला लिरिक्स आपने लिखा वो कितना सेकंड तक है। तो फिलहाल मेरा जो पहला लिरिक्स है 2.25 सेकंड तक है, इधर से मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। उसके बाद इधर से आपको सुन लेना है कि आपका जो सेकंड लिरिक्स है वो कितना सेकंड तक है। तो फिलहाल मेरा जो सेकंड लिरिक्स है इतना सेकंड तक है, तो जितना सेकंड तक है उतना तक आना है, स्प्लिट कर लेना। उसके बाद सेकंड लिरिक्स को क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में जाना है। जाने के बाद आपका जो भी सेकंड लिरिक्स है इधर से आपको लिख लेना है। तो मैं इधर से जो कि सेकंड लिरिक्स जो इधर से मैं लिख लेता हूँ, तो इस तरह करके आपको लिख लेना है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर से आपको सुनना है, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको सुनना है गाने को, जो लिरिक्स है आपको लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, इस तरह करके आपको पूरा जो लिरिक्स है स्टेप बाय स्टेप जो कि लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है। पहले आपको जूम इन कर लेना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको जो पहला लिरिक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है। हम इफेक्ट ऐड करेंगे, इसके लिए इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको इधर से सर्च करना है, टेक्स्ट स्पेसिंग ये वाला इफेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको एक प्लस आइकन दे देना है, जो लाइन स्पेसिंग है उसको आपको क्या करना है, इधर से -25 इधर से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद पूरा लिरिक्स जो उसका बीचों भी जाना है, एक प्लस आइकन दे देना है। देने के बाद आपको इधर से +25 यानी कि ओनली 25% आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद पूरा एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद एक प्लस आइकन दे देना है। देने के बाद आपको उसको -50 इधर से आपको चूज कर लेना है। परफेक्टली आपको इधर से -50 चूज कर लेना, जो कि इस तरह कुछ टेक्स्ट आपको देखने मिलेगा। तो देख सकते हैं हमारा जो कि टेक्स्ट है थोड़ा 3 लाइन में हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जाकर इस तरह आपको एडजस्ट कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह कुछ हो जाएगा। तो इस तरह हो गया, देख सकते हैं ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट स्पेसिंग में फिर से आपको जाना है। जाने के बाद आपको ये 2 की के बीच में आपको आना है,
आने के बाद आपको क्या करना है, ये देख सकते हैं ये दो की के बीच में आपको आ जाना है। आने के बाद ये कॉर्ब वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह इसको ऊपर और इसको इस तरह ऊपर आपको ले लेना है। इतना आपको कॉर्ब को रख लेना है जो कि इस तरह आपको रख लेना है। इसको थोड़ा पीछे आपको कर लेना है, तो इतना आपको रख लेना है। उसके बाद थ्री डॉट में जाकर आपको इधर से कॉपी कॉर्ब कर लेना है। उसके बाद आगे जाना है, ये दो की के बीच में आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, इधर से थ्री डॉट में जाके इधर से आपको पेस्ट क्रॉप कर लेना, इस तरह आ जाएगा। उसके बाद ये जो ऑप्शन है उसके ऊपर एक बार टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इधर से उल्टा हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह टेक्स्ट आपको जो कि लग जाएगा, देख सकते हैं परफेक्टली हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको पहले देख लेना है कि आपका जो टेक्स्ट अच्छी तरह से एडजस्ट हुआ कि नहीं। देख सकते हैं इधर से थोड़ा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा आपको इस तरह आगे ले लेना है। तो इतना आपको रख लेना है, देख सकते हैं इस तरह परफेक्टली हो गया। सो फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको और एक इफेक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको जैसे ग्लो सर्च करना है, तो आपको ये जो ग्लो वाला इफेक्ट है आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको ग्लो में जाना है। जाने के बाद आपका जो रेडियस है आपको इधर से जो कि पूरा आपको इधर से 27% आपको इधर से चूज कर लेना है रेडियस को। तो इधर से मैं कर लेता हूँ, तो परफेक्टली आपको इधर से 27.1 आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर से आपको कर लेना है। उसके बाद जो अल्फा है उसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद जो अल्फा 75 है आपको इधर से 40% इधर से आपको अल्फा को चूज कर लेना है। 40% हो गया। उसके बाद आपको इधर से नीचे आना है, सिर्फ आपको जो कलर है कलर के ऊपर क्लिक करके इधर से वाइट कलर का आपको चूज करना है, जो कि इस तरह कुछ इफेक्ट आपको शेडो इफेक्ट थोड़ा थोड़ा देखने मिलेगा। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको टेक्स्ट जो है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपको बॉर्डर एंड शेडो में जाना है। शेडो में जाकर उसका जो शेडो है थोड़ा आपको इनेबल करना है। सब टेक्स्ट में आपको शेडो में जाके आपको शेडो को इनेबल कर लेना है। जितने भी आपने टेक्स्ट लिखा था शेडो को सिर्फ आपको इनेबल कर लेना। देख सकते हैं इस तरह कुछ इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से जो टेक्स्ट है उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट में जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद बाकी जितना भी लिरिक्स है आपको एक एक करके इफेक्ट को आपको पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह करके पेस्ट कर लेना है। सो फिर इस तरह आपको जितने भी टेक्स्ट है आपको इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है। तो ये पेस्ट मैं कर लिया। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको ग्रुप करना है, जितना भी आपका लिरिक्स का पार्ट है जैसे आपको ग्रुप करना है। तो इधर आप दिखाई दे रहे देख सकते हैं, इमेज और म्यूजिक को छोड़ के बाकी जितना लिरिक्स का आपका जितना भी आपने लिरिक्स लिखा उसको ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए आपको पहले एक लिरिक्स के ऊपर होल्ड करके रखना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके देख करके टैप करके जितने भी लिरिक्स का पार्ट है आपको ऐड कर लेना है, यानी कि सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग में जो देख सकते हैं इधर ग्रुप का आइकॉन स्टार्टिंग है उसके ऊपर क्लिक करना है, ये ग्रुप हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद हम ग्रुप में भी इफेक्ट ऐड करेंगे, तो उसके लिए पहले लेयर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जो ग्रुप है उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको जैसे ऑक्सीलेट वाला जो इफेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, मूव ऑन ट्रांसफॉर्म जाने के बाद। जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे जो आपको आप एंगल देख सकते हैं इधर आपको जो कि चेंज करना है। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले स्टार्टिंग जो है उसके ऊपर आपको स्टार्टिंग में एक प्लस आइकन दे देना है। देने के बाद जो एंगल है आपको इधर से जीरो कर लेना है। उसके बाद पूरा एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद आपको क्या करना है, एंड में पूरा आपको एंड में आना है, प्लस आइकन दे देना है। देने के बाद आपको क्या करना है, इधर से फुल कर लेना है, यानी कि 180 डिग्री आपको कर लेना है, जो कि इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद आपको जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर आपको आना है। आने के बाद फ्रीक्वेंसी को आपको थोड़ा इधर से जो कि बढ़ा लेना है, यानी कि 2.23 आपको इधर से चूज कर लेना है। तो इतना आपको रख लेना है, देख सकते हैं इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आना है, जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो एंड में प्लस आइकन एक दे देना है। देने के बाद उसको 1% आपको कर लेना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको इधर से एक प्लस आइकन देना है। देने के बाद आपका जो मैग्नीट्यूड है इधर से 25 आपको कर लेना है, जो कि इस तरह कुछ इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, इस तरह कुछ इफेक्ट देखने मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, और इफेक्ट ऐड करना है। तो इसके लिए फिर से जो ग्रुप है उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। उसके बाद आपको इधर से स्विंग वाला इफेक्ट सिलेक्ट करना है। मूव ऑन ट्रांसफॉर्म जाने के बाद आपको स्विंग वाला जो इफेक्ट है आपको इधर से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद स्विंग वाला जो इफेक्ट है उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आपको एक प्लस आइकन देना है। देने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है आपको इधर से 3 डिग्री आपको इधर 3.01 आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर से 3% इधर से जो कि सिलेक्ट में कर लेता हूँ। तो इस तरह आपको 3.1 आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पूरा एंड में जाना है।
एंड में जाने के बाद फिर से आपको एक प्लस आइकन दे देना है। देने के बाद आपको क्या करना है, इधर से पूरा कम कर लेना है, 0.10 आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है, जो कि इस तरह कुछ दिखाई देगा। उसके बाद आपको एंगल वन में आना है, आने के बाद आपको -3.5 आपको डिग्री आपको इधर से चूज कर लेना है, तो मैं इधर से कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आना है, एंगल टू में जाना है, उसको भी आपको 3.5 डिग्री आपको इधर से चूज कर लेना है। तो इस तरह हो गया, तो मैं आपको इधर से प्ले करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको टेक्स्ट देखने मिलेगा, तो देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा इफेक्ट के साथ टेक्स्ट भी लग रहा है। मैं फिर से प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं इस तरह टेक्स्ट जा रहा है। उसके बाद हमारा इमेज भी जो कि स्विंग हो रहा है, तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड, उसके बाद हमको एक पार्टिकल वीडियो ऐड करना है, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन जाना है, आपको रेक्टेंगल को चूज कर लेना है, उसको फुल स्क्रीन करना है, कलर में जाके इधर से आपको ब्लैक सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंड में आके उसका जो इमेज अभी अपने जो रेक्टेंगल ऐड किया था उसको आपको एंड तक ले आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रेक्टेंगल है उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको इधर से सर्च करना है सिंपल स्टार फील्ड, ये वाला इफेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह कुछ दिखाई देगा आपको। स्टार्टिंग में आने के बाद स्टार्टिंग में प्लस आइकन, उसके बाद पूरे एंड में जाके एक प्लस आइकन देना है। उसका जो वाई है, वाई के ऊपर क्लिक करके इसको आपको इस तरह करके आपको बढ़ा लेना है। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना स्पीड आपका जो कि पार्टिकल वीडियो आएगा। तो इधर से आपको 900 के आसपास ले आना है। स्केल में जाना है, स्केल को आपको थोड़ा आपको बढ़ा लेना है। साइज में जाकर थोड़ा आपको बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आपको कलर में जाके इधर से कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं, जो पार्टिकल का कलर आप चाहते हैं। तो मैं इधर से स्काई ब्लू दे देता हूँ। उसके बाद अमाउंट में जाके इधर से जो अमाउंट है उधर से थोड़ा आपको कम कर लेना है, यानी कि आपको 12 के आसपास आपको रख लेना है। उसके बाद आपको जो रेक्टेंगल है उसके ऊपर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग में जाके लाइटिंग में जाके स्क्रीन कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह आ जाएगा। उसके जो रेक्टेंगल है उसको इस तरह आपको साइड में इस तरह होल्ड करके रखना है, जो ग्रुप है उसके नीचे आपको ले आना है। तो देख सकते हैं फाइनली हमारा इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियो आएगा। उसके बाद आपका लिरिक्स पे आएगा, तो देख सकते हैं कितना अच्छा से जो कि मैच हो रहा है। उसके बाद आपको इधर से चैनल का लोगो भी आपको ऐड कर सकते हैं, प्लस आइकन जाने आप जो जो भी चैनल का लोगो है आपको इधर से ऐड कर लेना है। तो फाइनली हमारा जो कि वीडियो कंप्लीट होगा, तो वीडियो को सेव करने के लिए शेयर ऑप्शन में जाना है। वीडियो को आपको इधर से 1080p फुल HD में क्वालिटी फुल रख के आपको एक्सपोर्ट कर लेना है।